ही व्हाट्सअप गाइस, आई एम एलेक्जेंडर एंड वेलकम है आप सभी लोगों का हमारी और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज भी हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग अपनी कार्सल में बना रहे थे एक अल्ट्रा जैंट सुगर केन फार्म, जिससे हमें काफी सारा सुगर केन मिलने वाला था। और गाइस मैंने ऑफलाइन जाकर उस अल्ट्रा जैंट सुगर केन फार्म के काम को अच्छी तरह से कम्प्लीट तो कर दिया था, बट एक प्रॉब्लम के चलते मुझे उस सुगर केन फार्म को तोड़ना पड़ा। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि वो अल्ट्रा जैंट सुगर केन फार्म बुरी तरह से टूटा हुआ है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस सुगर केन फार्म को क्यों तोड़ा। सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। ओके तो चलो गाइस मैं अपने फर्स्ट पर्सन में तो आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई मैंने इस सुगर केन फार्म को बनाकर क्यों तोड़ा। तो आपको पता होगा कि ये सुगर केन फार्म हमारे कार्सल से काफी ज्यादा दूर है, और अगर यहाँ से मुझे काफी सारा सुगर केन चाहिए होता तो भाई यहाँ पर मुझे 2 से 3 घंटा AFK बैठना पड़ता, तभी जाकर मुझे काफी सारा सुगर केन मिल सकता था। लेकिन भाई मैं एक जगह 2 से 3 घंटा नहीं बैठ सकता, इसीलिए मैंने इस सुगर केन फार्म का चूरा चूरा कर दिया और मैंने अपने लिए एक नया सुगर केन फार्म बनाया है जो कि मेरे कार्सल के एकदम सामने है। तो चलो मैं आपको वो सुगर केन फार्म दिखाता हूँ और आप लोग मेरे कार्सल के सामने देख सकते हो। भाई इस सुगर केन फार्म को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा और इस सुगर केन फार्म से मुझे काफी सारा सुगर केन मिलता ही रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको सामने जाकर दिखाता हूँ और ये लिटरली देखने में भी काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है भाई। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने मतलब 3 फ्लोर बनाया है इसका, और मैं बाद में जाकर और भी फ्लोर बना दूंगा इसका, काफ़ी ज़्यादा सुगर केन मिलता ही रहता है। लेकिन अभी भाई यहाँ पर काम मतलब है नहीं, यहाँ पर मुझे मतलब गेम अगर मैं यहाँ पर अपने कार्सल में 2 से 3 घंटा भी बिता दूंगा तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारा सुगर केन मिल जाएगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई इसका और भी फ्लोर बना दिया जाए, जैसे कि ये मतलब 3 फ्लोर है तो मैं सोच रहा हूँ 5 या 6 बना दिए जाए, इससे ज़्यादा मतलब बनाऊंगा नहीं, इससे मुझे काफ़ी सारा सुगर केन मिल जाएगा। देन मैं अपने मतलब वही विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, और मैं अपने विलेजर्स के यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ कितने सारे विलेजर्स मतलब हो गए हमारे पास। और भाई इतना हो गया कि मुझे बाहर बेड लगाना पड़ा, मतलब अंदर जगह नहीं है। अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ, तो 2 मैंने इस साइड रखा है और मैंने शायद इसे 4 की 5 यहाँ 5 इधर है। चलो और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर भी बेड नहीं था भाई, मैंने यहाँ पर भी बेड लगाया, देखो यहाँ पर 5-5 है, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, 20 बेड तो ऐसे ही मैंने लगा दिया और 13-13 इधर है। तो आप लोग सोच सकते हो मेरे पास कितने सारे विलेजर्स हैं। और यहाँ पर मैंने सबका अलग अलग जॉब भी दे दिया है, किसी को फार्मर बनाया है, किसी को फ्लेचर बनाया है, मतलब फ्लेचर नहीं क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन मतलब सबको जॉब मैंने दे दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मतलब काफ़ी सारे नल्ले विलेजर्स भी है, जैसे कि ये 2 नल्ले हैं और भाई ये भी नल्ला है, ये भी नल्ला है, तो इन लोगों को अभी जॉब दूंगा। लेकिन बाद में मुझे कम से कम और भी बहुत सारे फ्लीचिंग टेबल या और मतलब फार्मर वगैरह बना दूंगा मैं सोच रहा हूँ बाद में जाकर। और मैं आज का जो हमारे वीडियो का मेन टारगेट है वो है कि आज हम जाने वाले हैं डायमंड्स माइनिंग के लिए, ताकि हम अपने लिए कुछ डायमंड्स के आर्मर बना पाएं। क्योंकि आपको पता होगा भाई मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास लिटरली आयरन का भी एक आर्मर नहीं है, मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए कुछ डायमंड्स के आर्मर बनाया जाए। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने चेस्ट वगैरह के पास चलता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हाँ इसी में मैंने रखा है, तो आप लोग भाई यहाँ पर देख सकते हो मेरा जितना भी कीमती कलेक्शन है मैंने यहाँ पर रखा है भाई, कितने सारे बुक्स से देख सकते हो आप लोग। मैंने सब विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग वगैरह करके लिया है, और मैंने मतलब यार ये वाले ट्रेडेंट को मतलब यहाँ पर माइंडिंग लगाकर भाई इसका HP पूरा फुल कर दिया है। आप लोग इससे पहले वाले अगर एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई इसका HP पूरा लो था, और यहाँ पर हमारा मतलब पूरा ये मैंने इंचैंट भी कर दिया इसे, और भाई इंपेरियल मतलब 5 के 6 मिल गया है मुझे, और भी बहुत सारे इसमें मिला है। और यहाँ पर अनब्रेकिंग 3 मिला है मुझे, और लॉयल्टी है 3, और मैंने यहाँ पर माइंडिंग लगाकर इसका मतलब HP पूरा फुल कर दिया है। और यहाँ पर ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पहले मैं देख नहीं पाया था कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मैंने ऐसे मारा इसका लगा इसको, ये भाई बहुत काम का है लेकिन। और इसका मतलब जैसे ही कि मतलब यहाँ पर मैं मुझे XP मिलते रहेगा, ये रिपेयर ऑटोमेटिक होते ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे देखो ये रिपेयर भी हो गया, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मॉब्स वगैरह को मारना है, इसके ये रिपेयर भी होते रहेगा और मॉब्स वगैरह ही मर जाएंगे। तो इसे मैं रख देता हूँ भाई, बहुत रेयर है। और जो हमारा दूसरा ट्राइडेंट है इसे मैं बाद में कर दूंगा। और मैंने बहुत सारा माइंडिंग का मतलब बुक वगैरह ले लिया है, और यहाँ पर एंडर पर्ल भी है मेरे पास, 9 डायमंड भी है पहले के, और एक गोल्ड का ब्लॉक है, टोटम ऑफ अंडाइंग, बहुत सारा चीज़ है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ अपने लिए आज मतलब आज जाए डायमंड्स माइनिंग के लिए, ताकि हम अपने लिए कुछ मतलब डायमंड्स के आर्मर बनाए जाए। तो डायमंड्स माइनिंग में जाने से पहले मैं अपना एक ब्रह्मा अस्त्र ले लेता हूँ, जो कि ये हमारा फॉर्चून का पिकेक्स, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रखा था, तो चलो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। और भाई मुझे मतलब एक रूइंग पोर्टल में भाई यहाँ पर देखो क्या मिला है मुझे, मुझे मतलब गोल्ड के यहाँ पर पिकेक्स में मिला है भाई, अनब्रेकिंग 3 है, फॉर्चून 2 है, एफिशिएंसी 5 है। और ये तो हो गया एक नॉर्मल, अब मैं आपको और एक दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई फॉर्चून 3 है, अनब्रेकिंग 3 है और एफिशिएंसी 5 है। तो आप लोग सोच सकते हो भाई कितना कमाल का है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपना डायमंड का ले लिया क्योंकि भाई ये मतलब गोल्ड का उतना खास तो है नहीं, तो इसे रख देता हूँ मैं सबसे पहले। ओके तो गाइस यहाँ से मुझे जितना काम का सामान था मैंने सारा तो ले लिया है। भाई बाहर रात हो रही है तो रात में कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ क्योंकि भाई रात में बहुत सारे मॉब्स वगैरह स्पॉन हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ यहाँ पर। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग तो हो चुका है, अब जाया जाए डायमंड्स माइनिंग के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अपने कार्सल से ही नीचे के लिए डिग करके जाया जाए और बेडरॉक आते आते तो भाई मुझे डायमंड्स मिल ही जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ से नहीं आगे से थोड़ा चलते हैं और यहाँ से आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ भाई नीचे ही से जाया जाए और पहले कुछ खा लेता हूँ। भाई ये अंगर बार बॉडी मतलब चली गई है पूरी, तो हाँ नीचे ही से जाया जाए। तो सबसे पहले मैं नीचे चलता हूँ और भाई वहाँ जहाँ वाटरफॉल नीचे जा रहा है वहाँ से मैं डिग करना स्टार्ट करूँगा नीचे की तरफ। वहाँ से मतलब मुझे डायमंड्स मिलने ही मिलना है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ नीचे की तरफ। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर मैं नीचे तो आ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसी तरफ से नीचे के लिए डिग किया जाए और हमारा कार्सल भी सामने ही है। तो सबसे पहले मैं डट वगैरह को यहाँ से हटा देता हूँ और भाई मैं एक सीढ़ी के टाइप का बनाऊँगा ताकि मुझे निकलने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे जितना भी ये डट वगैरह हटा देता हूँ और चलो यहाँ पर स्टोन आ चुकी है तो यहाँ से मैं डिग करना स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। और ये भाई यहाँ पर बहुत ये अंधेरा भी होने वाला है, तो यहाँ से मैं सीढ़ी का टाइप का बनाऊँगा ताकि भाई निकलने में भी हमारा सुविधा हो। तो ऐसे ही मुझे जाना है नीचे और फटाफट से मैं चलता हूँ और बेडरॉक आते आते भाई तो मुझे डायमंड्स मिलने ही मिलना है। तो सबसे पहले भाई जितना नीचे होता है मैं नीचे के लिए चलता हूँ डिग करके और भाई मैं टॉर्च भी लगाते चलता हूँ। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर मैं माइनिंग करते करते भाई बेडरॉक के लेवल तक तो आ चुका हूँ और यहाँ पर भाई थोड़ा सा आयरन है, तो सबसे पहले यहाँ से आयरन ले लिया जाए। ओके तो यहाँ से मैंने आयरन ले लिया और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं। चलो यहाँ पर हमारा सीढ़ी का टाइप भी बन गया और यहाँ पर मैं बेडरॉक के लेवल तक भी आ चुका हूँ। तो हमें करना ये है कि अब ऊपर जाकर भाई यहाँ से मतलब 3 ब्लॉक या 5 ब्लॉक का ये हाइट लेकर हमें माइनिंग करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ओके तो इस साइड मैं डिग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस साइड चलते हैं और देखते हैं भाई हमें डायमंड्स मिलती है कि नहीं। तो फटाफट से चलते हैं और भाई मैं किस मतलब अपना डायमंड्स के पिकेक्स से क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरे पास आयरन का है। चलो यहाँ से मैं आयरन के पिकेक्स उठा लिया। अरे भाई आयरन के पिकेक्स से करना भाई, तो अगर मुझे डायमंड्स मिलेगी तो मतलब मैं अपने फॉर्चून के पिकेक्स से तोड़ने वाला हूँ उसे, क्योंकि भाई फॉर्चून के पिकेक्स से हमें 2-3 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखते हैं भाई हमें डायमंड्स मिलती है कि नहीं। ओके तो वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई मैं यहाँ पर माइनिंग ही कर रहा था, यहाँ पर भाई लावा निकल गया, पता नहीं यहाँ पर लावा की कोई पुल होगा आई थिंक सो। तो यहाँ से भाई लावा निकल गया और भाई अभी मैं जल कर मर जाता, तो यहाँ इसे मैं बंद कर देता हूँ। बंद क्या करना है भाई, एक ब्लॉक छोड़ देते हैं क्योंकि भाई इससे रोशनी आ रही है। चलो कोई बात नहीं। और मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ पर यार डायमंड्स वगैरह मिल ही नहीं रहा, मैं तब से माइनिंग कर रहा हूँ, लिटरली मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट हो चुका है यहाँ पर, लेकिन एक भी डायमंड अभी तक भाई मिले ही नहीं मुझे। ओके तो चलो भाई फाइनली यहाँ पर हमारे डायमंड तो मिल चुका है भाई, बहुत मेहनत के मतलब बाद मिले भाई डायमंड। मैं तो सोच रहा था भाई यहाँ से भी लावा ना निकल जाए, तो फटाफट से भाई यहाँ पर देख लेते कितना डायमंड हमें मिला है। यार यहाँ पर 2 तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फटाफट से मैं देख लेता हूँ, आई थिंक सो 2 ही है भाई। यहाँ पर और ज़्यादा मिल जाता है यार, क्या हो जाता है 1-2, चलो 2 तो है यहाँ पर, और देख लेता हूँ भाई लावा ना हो आसपास, बस 1-2 ही है भाई, 2 ही ना हो भाई। अच्छा चलो 3 है यार, फटाफट से निकाल लेता हूँ इसे, रुको रुको रुको, और भाई 4 है भाई, 4 है भाई, 5 है यार, 5 है, चलो कोई बात नहीं, और देख लेता हूँ मैं पर, और भाई 5 ही है क्या, हाँ 5 ही है, नहीं नहीं अरे यार गिनती भी मैं भूल जा रहा हूँ यार, 1, 2, 3, 4, 5 ही लग रहा है मुझे, 5 है या फिर उससे भी ज़्यादा नहीं, 5 है। तो मैं देखता हूँ भाई इससे मुझे, यार मैंने क्या किया, मैं सोचा भाई लावा वगैरह कहाँ से आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई तोड़ के, यहाँ से पूरा क्लियर कर देता हूँ पहले इसे। ओके तो देखता हूँ भाई, अरे रुको 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 रुको, मैं गिनूंगा भाई कितना डायमंड आखिर में मुझे मिल रहा है फॉर्चून 3 के, मतलब फ़ायदा क्या है भाई फॉर्चून 3 से, फिर देख लेता हूँ मैं इस बार ट्राई करके। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं आई थिंक सो कितना मतलब ये हमें मिला है, तो इसे भी तोड़ना होगा क्या भाई, तो यहाँ पर लावा वगैरह ना गिर जाए यार। चलो यहाँ पर फाइनली एक मतलब और नहीं है डायमंड ना, हाँ नहीं है, चलो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो मुझे दिखा है, 5, 6 डायमंड है, आप लोग देख सकते हो। तो मेरी इन्वेंट्री में पूरी मतलब ये एक भी डायमंड नहीं है, आप लोग देख सकते हो। तो फटाफट से पहले एक मैं तोड़ता हूँ, चलो यहाँ पर कितनी भाई, एक ही मिली क्या यार, क्या फेंकूँ, चलो इसे फेंकता हूँ भाई, ये एक ही डायमंड मिली भाई, फ़ायदा क्या ये फॉर्चून 3 का यार, और तोड़ता हूँ। अच्छा 2 मिली, चलो और भाई 3-3 मिल जाए यार, कितना मिला भाई, 5 भाई, 2-2 मिल रहा है क्यों भाई। चलो यहाँ पर मैं तोड़ा भाई, 1 मिला इस बार, क्या फायदा भाई इतना ये करके, कितना मिला, 7 भाई, 1-1 मिल रहा है यार, क्या नसीब है हमारा यार।
यार इस हाँ ज़्यादा मिला 3 मिला भाई इस बार 9। चलो फाइनली 9 डायमंड हो गया। आप लोग देख सकते हो भाई मैंने 6 तोड़ा भाई 9 मिल गया हमें भाई, फाइनली फिर से मिल गया भाई। यार कितने डायमंड से देखना पड़ेगा यहाँ पर यार, फाइनली मुझे कितने टाइम भाई, आज 2 घंटे से मैं मतलब ये डायमंड्स देख रहा था भाई इधर उधर करके, लेकिन भाई डायमंड्स मिल ही नहीं रहा था। और भाई यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आ रहे हैं यहाँ पर पता नहीं कैसे। अरे यार फाइनली मुझे डायमंड्स मिला, और देखना पड़ेगा भाई कितने डायमंड्स है आखिर में यहाँ पर। तो यहाँ पर आई थिंक 3 या 4 डायमंड है, 1 है 2 है 3 है 4 है आगे और है क्या भाई, देखना पड़ेगा। रुको। तो इसे मैं पहला महल यहाँ पर सेव कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर भाई बेडरॉक की एकदम लेवल में है यार, यहाँ से लावा हुआ ना निकल जाए मुझे डर लग रहा है बस। चलो यहाँ पर हाँ भाई और नहीं है, चलो और नहीं है, यहाँ पर मैं एक टॉर्च लगा देता हूँ, फाइनली दिख चुका है हमें। और इसे मैं क्लियर कर देता हूँ पहले तोड़ कर। हाँ चलो, अरे भाई कितना सारा टाइम, ओ भाई उधर भी है, नहीं ख़त्म हो गया। चलो और मैं उस साइड भी क्लियर कर देता हूँ और देखता हूँ आगे कितना डायमंड मुझे मिला है, और यही डायमंड्स मैं माइनिंग करूँगा, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आप लोग मेरे पिकेक्स की HP भी देख सकते हो, ये टूट ना जाए मुझे ये डर है बस। तो इसके बाद मैं और मतलब माइनिंग वगैरह करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे घर में भी और भी मेरे कार्सल में और भी डायमंड्स हैं यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ उसी से अपना मतलब अपना ये आर्मर बना लिया जाए उसको मिला के। तो देखना पड़ेगा, रुको 1 2 और नीचे होगा क्या, और नीचे है, हाँ है बहुत है भाई, बहुत डायमंड इस बार मुझे मिला। चलो कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा, रुको इस इधर भी क्लियर करके देख लिया जाए। हाँ चलो इधर मैंने क्लियर कर दिया, इस तरफ भी क्लियर कर देते हैं थोड़ा, और क्लियर करके भाई मैं गिनूंगा आगे कितना डायमंड फाइनली मुझे मिला है। चलो इस तरफ मतलब 1 2 3 4 इधर है, कोई बात नहीं, और इधर भी बहुत सारा, तो फटाफट से तोड़ते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास 9 डायमंड है, और भाई फॉर्चून का अपना नसीब भी आजमा लिया जाए। तो यहाँ से मैं फर्स्ट वाला तोड़ता हूँ, कितना मिला देखना पड़ेगा भाई, ये क्यों नहीं मिल रहा है भाई, फॉर्चून इतना गरीब हो गया क्या यार, एक मिल रहा है भाई, कोई बात नहीं देखते हैं फिर, अभी तो बहुत है। चलो ऐसे कितना मिला, 12 भाई, एक मिल रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, ये नाम का फॉर्चून है क्या यार, ये भाई फॉर्चून नाम का है क्या, 3 फॉर्चून 3। अरे भाई कितना मिला इस बार, 3 भाई, 4 मिला इस बार, कोई बात नहीं इस बार तोड़ के देखा जाए, 1 मिला होगा पक्का, नहीं 2 मिला भाई, ऐसे ही मिलता रहे। चलो यहाँ से कितना मिला, इधर से भी 3 मिला आई थिंक, सो भाई 20 हो गए, यहाँ से 22 हो गए, 2 मिला, चलो कोई बात नहीं, और एक लास्ट वाला हमारा, और भाई इसमें भी 3 मिला भाई, 25 हो गया भाई, 5 मिल गए एक साथ, चलो भाई मज़ा ही आ गया, कोई बात नहीं। ओके तो चलो गाइस, यहाँ से मैं फटाफट से निकलता हूँ और अपने कार्सल में चलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे अभी बनाना है एक डायमंड का आर्मर जो कि भाई बहुत स्ट्रांग होता है, तो फटाफट से चलते हैं अपने कार्सल में। ओके तो चलो गाइस, यहाँ पर मैं भागते भाई अपने कार्सल तक तो आ चुका हूँ, और भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा रात हो रही है, तो सबसे पहले भाई जाकर सो लिया जाए, और नेक्स्ट डे उठकर मैं बनाने वाला हूँ भाई अपने लिए डायमंड्स का आर्मर। ओके तो चलो गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो चुकी है, तो अब बारी अपने डायमंड्स के आर्मर बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे कितना डायमंड लगेगा मुझे देखना पड़ेगा, तो भाई आई थिंक सो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं अपना इन्वेंट्री खाली करता हूँ, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा बहुत सामान है। ओके तो चलो इतना काफ़ी है, अब मैं अपना मतलब एक डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक चेस्ट प्लेट बनाना है, ओके तो चेस्ट प्लेट आ चुकी है, और एक लेगिंग बनाना है, चलो लेगिंग भी आ चुकी है, एक हेलमेट बनाना है, हेलमेट भी आ चुकी है, चलो एक बूट बनाना है, और भाई 24 डायमंड में मेरा सब कंप्लीट हो गया है। चलो मैं पहन कर एक बार देख लेता हूँ, देन मैं इसमें इंचेंट वगैरह करूँगा। ओके तो चलो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो डायमंड्स का आर्मर है वो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है देखने में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो एक लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट जरूर से कर देना। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।